दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में एक तरफ जडेजा के घायल शेर थे तो वहीं दूसरी तरफ घर से निकाल जाने वाले डुप्लेसिस, और इस महा मुकाबले में डुप्लेसिस ने चेन्नई को पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने को कहा और किस तरीके से शुरुआती झटकों के बाद रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने कोहली के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और डुप्लेसिस में किसे होना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज अपनी ही टीम के खिलाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। एक बार फिर से रविंद्र जडेजा टॉस जीतने में असफल रहे और उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन आज सीएसके के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अपनी लय हासिल कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और क्रीज पर उनका सामना करने के लिए थे ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। आज रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी को इन दोनों ही बल्लेबाजों से यही उम्मीद थी कि क्रीज पर रुककर ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई को एक अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, और मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए आज के मुकाबले में अपने इरादे जाहिर कर दिए। और आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार चौके की बदौलत चेन्नई ने पहले ओवर में 6 रन बना दिए, लेकिन इसके बाद आज के मुकाबले में आरसीबी की तरफ से वापसी करने वाले जोश हेजलवुड ने आते ही अपनी शानदार लय का नमूना पेश किया। जी हां, अपने इस ओवर में केवल 2 सिंगल लेते हुए जोश हेजलवुड ने साल 2022 के आईपीएल की शानदार शुरुआत की, और अब 2 ओवरों में केवल 8 रन के स्कोर को जरूरत थी एक्सेलरेट करने की। और ऐसे में मोहम्मद सिराज की दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई के प्रशंसकों को मुस्कुराने का मौका दिया। और आपको बता दें कि पिछले काफी समय से गायकवाड़ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने 2 बेहतरीन चौके लगाकर अब ये बता दिया था कि आज वो शानदार लय में नजर आ रहे हैं। इसके बाद गायकवाड़ की बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई ने 3 ओवरों में आपको बता दें कि बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए थे, और अब चेन्नई एक बेहतरीन शुरुआत की तरफ अग्रसर थी। और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए आरसीबी के बेहतरीन तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट लगाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी करते हुए ये बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक बनानी है और हेजलवुड पहले ही दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक है। जी हां, अपनी चौथी गेंद पर एक बेहतरीन इन स्विंग डालते हुए जोश हेजलवुड ने गायकवाड़ की एक छोटी सी पारी का अंत कर दिया, और एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। आज गायकवाड़ अच्छी लय में नजर तो जरूर आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में वो एक ही तरीके से आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे। इनको अंदर आती हुई गेंद काफी तकलीफ दे रही है, और इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपको बता दें कि पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 गेंदों में 17 रन बनाए और उन्होंने अपनी बारी में 3 चौके लगाए, और उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मोइन अली की। जैसे ही मोइन अली अंदर आते हैं, जोश हेजलवुड ने एक खतरनाक गेंद डालकर उनका स्वैग से स्वागत किया। दोस्तों पहले पावर प्ले में ही फंस चुकी चेन्नई को अब रॉबिन उथप्पा और मोइन अली से एक ताबड़तोड़ शुरुआत की आस थी, और रॉबिन उथप्पा ने 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए एक बार फिर से एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। और यही नहीं, इसके बाद उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप की एक गेंद को आकाश में पहुंचाते हुए सीएसके को पहले पावर प्ले में एक ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। रॉबिन उथप्पा के काउंटर अटैक की बदौलत चेन्नई ने पहले पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन बना दिए थे, लेकिन दोस्तों फिर आता है मैच पलटने वाला ओवर। जी हां, 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल की चौथी गेंद पर मोइन अली रन लेना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग की तरफ खड़े प्रभु देसाई ने दिनेश कार्तिक की एक तरफ शानदार थ्रो फेंक दिया। और आपको बता दें कि अब हवा में डाइव लगाते हुए कार्तिक ने मोइन अली को बीच में ही खड़ा कर दिया, और 37 रनों पर ही 2 विकेट गंवाकर चेन्नई मुश्किलों में फंस गई। और आपको बता दें कि मोइन अली ने अपनी पारी में 8 गेंदों का सामना करते हुए केवल 3 रन ही बना पाए। और दूसरे छोर पर रॉबिन उथप्पा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे के साथ मिलकर उन्होंने देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया, और जिसमें से 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत रॉबिन उथप्पा ने अब तक 20 रन बना लिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।